भगवान करे फिल्म हिट हो, सुपर हिट। कृष्णा जी आपके पास तो माइक है फिल्म के बारे में। मैं बोलता रहूंगा, पहले शर्मा जी से पूछेंगे जो। अच्छा ठीक है, लग गई। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे आप? आपने बहुत छुआरे हुआरे बांटे हैं फिल्म में, मीडिया काफी एक्साइटेड है, वो भी पूछेंगे आपसे क्या क्या कितना छुआरे खाए हैं उसके। बहुत सुंदर गाने हैं जो कि शर्मा जी की लिखी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये कि मतलब इस फिल्म को शूट करते वक्त हम लोगों ने जो मजे किए हैं वो बहुत ही यादगार मतलब हाँ कि सब अपने अपने पलों को एहसास कर रहे थे कि मतलब दो छुआरे लेने चाहिए कि चार छुआरे लेने चाहिए। मतलब हमें किसी से ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं थी, सब आपस में सब ज्ञानवर्धक थे। हमने छः छः छुआरे खा के शूटिंग तो बहुत ही एंटरटेनिंग रहा। और जैसे कि अनिल जी का आशीर्वाद कि ये फिल्म एंटरटेन करे, साफ सुथरे तरीके से एंटरटेन करे, मुझे पूरी उम्मीद है कि मतलब ये सबके मतलब की फिल्मों की। शुक्रिया। नहीं नहीं, मजाक की बात अलग, मनोज जी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। कंटेंट बेस्ड फिल्में अभी चल रही हैं तो अच्छा कंटेंट है। मैंने भी हमने भी फिल्म देखी तो हमें बड़ा, हम भी हंस रहे थे ज़्यादा, मैं इतना हंसता नहीं हूँ, लेकिन कुछ आज सीन्स मुझे बहुत ही पसंद आए। मनोज जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। एक फिल्म बनने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, ऐसी कोई ग्रेट मेहनत नहीं की हम लोगों ने। हंसते खेलते बोलते हैं ना जो निकल जाता है, कॉमेडी फिल्में सर ऐसी होती है कई बार एक पिकनिक टाइम पे कई सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो हंसते खेलते एक बढ़िया कोशिश की है कि एक ठीक ठाक फिल्म बना सकें हम लोग। मुग्धा क्या कहना चाहेंगे? इतना ही कहना चाहूँगी, आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। द होल शर्मा एंड शर्मा, द होल शर्मा टीम हियर इज मेकिंग इट पॉसिबल। तो 15th मार्च प्लीज गो एंड वॉच इट, इतना ही कह सकूँगी। डेफिनेटली इट विल एंटरटेन यू। थैंक यू। शुक्रिया इस मौके पे, इस आयोजन पे आप सब लोग आए। और जिस तरह की मेहनत हम लोगों ने शूटिंग के दौरान की, या जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें अपने यूनिट के लोगों से मिलता था, तो उस वक्त लगता था कि डेफिनेटली कुछ अलग हो रहा है या अच्छा हो रहा है। और जैसे कि कृष्णा ने भी बताया, उन्होंने भी फिल्म देखी है, और जब एक कलाकार जो दुनिया को हंसाता है और जब वो उसके बारे में दो शब्द बोलता है, वो एक शब्द ही अगर बोले उनका तो एक ही भी बहुत है, तो वो बहुत मायने रखती है वो चीज़ें। और डेफिनेटली सबका किरदार तो डेफिनेट अलग है ही, और मैं भी थोड़ा सा अलग रूप में इसमें दिखाई दूंगा। बाकी आप सब लोगों का शुक्रिया और आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू। मैं अपने प्रोड्यूसर्स नील गंजी से चाहूँगा कि दो शब्द बोलें फिर उनकी टीम के साथ। थैंक यू। खुशी तो अभी फिलहाल रिलीज होने के लिए तो खुशी तो अभी काफ़ी है, अभी 15 मार्च को रिलीज में आ रहे हैं जो भी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, खुशी खोजने से नहीं मिलती, खुशी मांगने से नहीं मिलती है। खुशी मन के अंदर होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, और उसके लिए हमने ये कोशिश की है कि एक्शन पैक्ड कॉमेडी शर्मा जी की लग गई। जैसा कि नेम इटसेल्फ स्पीक्स, वी हैव ट्राइड दैट ईच पंच इज अ वंडरफुल थिंग, एंड ऑन ईच पंच व्हेन यू लाफ, लाफिंग इज द बेस्ट रेमेडी। Because you see, the first statement of anxiety is thought orientation, and for the thought orientation, if you go anywhere, you may not get that thought orientation. But if you go to a movie of 2 hours, you will get everything. So that is the main thing. We have tried our level best, and we hope you all will like this film. काफी लंबी कास्ट भी है, तो कास्ट का कृष्णा, यू नो ही इज अ कॉमेडी किंग, एंड मिस्टर धीरन काला इटसेल्फ इज अ कॉमेडी किंग। आप बोलिए। कास्ट इस फिल्म में आप देखेंगे, हर एक जो कैरेक्टर है शायद उसी के लिए बना हुआ है, इस तरह से नजर आएगा आपको। सब हमने काफी सिलेक्ट करके कैरेक्टर रोल ऐसा दिया हुआ है कि हर एक कैरेक्टर अपने आप में ओरिजिनल लगता है। चाहने वालों को हम कहना चाहेंगे कि बस हमारी मेहनत हमने की है, अच्छी फिल्म
बनाई है। अभी ऑडियंस से ही विनती है कि 15 मार्च को आए सिनेमा घरों में और फिल्म देखें। सर आपको शेयर करना चाहिए? यस व्हाई नॉट, देयर इज अ नेम व्हिच वी शुड नॉट फॉरगेट हु इज बिहाइंड अस इज मिस्टर जितेन पुरोहित। जितेन पुरोहित इज द वन मैन हु हैड गिवन अस लॉट ऑफ सपोर्ट एंड विद हिम वी कैन अनाउंस इवन द नेक्स्ट फिल्म विद अ वेरी बिग स्टार कास्ट। Can I take the name? Should I tell you the name? Yes, the name is Chopal. And please wait, make this film a good hit so that we are also encouraged and we have the enthusiasm and we go ahead. देखिए शर्मा जी की लग गई, नाम में ही टाइटल में ही एक फन है, एक सस्पेंस है, एक रोमांच है, एक एक्शन है, तो ये सारी चीज़ें इस टाइटल के तले अगर आपको दिख रही है तो फिल्म में भी ये सारी चीज़ें आपको खुल के दिखाई देगी, भरपूर दिखाई देगी। और ऑब्वियसली शर्मा जी की लग गई इस फिल्म में। कृष्णा अगर हीरो है, मुग्धा गोडसे अगर हीरोइन है और मनोज शर्मा जी अगर डायरेक्टर है तो उस तिगड़ी का धमाल आप फिल्म में देखेंगे तो मुझे लगता है कि बार बार देखते रह जाएंगे। फिल्म जैसे टाइटल है शर्मा जी की लग गई, तो इसमें बहुत सारे ह्यूमर पंच हैं और एक कंटेंट बेस्ड जो आजकल फिल्में चल रही हैं, एक अच्छा स्वीटली कंटेंट मैंने कोशिश की है बनाने की। और बस 2 घंटे आप हंसेंगे, लॉजिक भी हैं और पंचेस बहुत मज़ेदार है और कैरेक्टराइजेशन इस फिल्म में बहुत अच्छा हुआ है। कृष्णा अभिषेक, मुग्धा, हेमंत पांडे, ब्रजेंद्र काला, सुनील भाई, मुकेश तिवारी, जैसे कि आपने अभी ट्रेलर्स में देखा होगा, सब बहुत अच्छा पार्ट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और एक मज़ेदार कॉमेडी फिल्म होगी। अनिल सर आए थे तो उनसे कुछ खास बातचीत हुई या कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने? बहुत बड़े डायरेक्टर अनिल जी के साथ मेरा रिश्ता, मतलब मेरी शुरुआत अनिल शर्मा जी के साथ ही हुई थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। जब मैं छोटे से शहर खुर्जा से आया था तो उनके पास ही गया था, उन्होंने अपनी फिल्म तहलका में एडिटिंग में असिस्टेंट रखा था और डायरेक्शन में मुझे सिखाने की कोशिश की, तो वो एक बड़ा इमोशन टच था कि भाई ये वही लड़का है, आज ये डायरेक्टर बन गया है। तो मुझसे ज़्यादा खुशी अनिल जी को थी और वो प्रमो देख के बहुत खुश थे अंदर से। एक लगता है ना फिल्मी हंसी तो होती है कुछ, लेकिन जेन्युइनली बड़े खुश थे वो कि अच्छी फिल्म बनाई है और देख के लग रहा है कि ये फिल्म जो आज चल रहा है वही बनाई है। फिल्म के लिए कृष्णा की फैन फॉलोइंग बहुत है, मुग्धा की फैन फॉलोइंग बहुत है और इस फिल्म के जब अभी आज प्रमोस खुले हैं तो उसकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि आज इंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं पिक्चर तो इंटरटेनमेंट होना ही चाहिए, कोई मैसेज नहीं, कोई सीखने के लिए फिल्म डॉक्यूमेंट्री तो नहीं देखने जा रहा है, तो टिकट वसूल फिल्म है और जैसा पब्लिक जाती है कि हाँ पोस्टर देख के मज़ा आएगा इसमें, तो वो 100% गारंटी देता हूँ कि मज़ा आएगा पूरी फिल्म में, 2 घंटे फुल इंटरटेनमेंट होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। इस बार एक्चुअली क्या ना कि आप फिल्म देखोगे तो मैंने कॉमेडी नहीं की, ये बहुत सीरियस एफर्ट है इसमें और जिसे कहते हैं कि आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपको हंसी आ गई, अदरवाइज इसमें मैंने कॉमेडी कतई नहीं की, ये बिल्कुल ही मेरे लिए एक बहुत सीरियस फिल्म है। हाँ, ये मेरे लिए एकदम सीरियस फिल्म है शर्मा जी की लग गई। क्या कहना चाहेंगे, मतलब एकदम समझ नहीं आ रहा क्या क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नहीं नहीं प्रश्न 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 क्या है इनके लिए, तो कहाँ से शुरू करें? देखिए जनरली हम तो इसमें थोड़ा ये नयापन ये है कि शूटिंग करते हुए क्या होता है, हम कई बार अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ हम जब शूटिंग करते हैं तो अलग अलग तरह का अनुभव होता है, और हम तो बेसिकली जहाँ हमारी चल जाती है तो ठीक है, नहीं चलती तो हम डायरेक्टर के एक्टर हो जाते हैं। तो इस पे क्या था कि कुछ कुछ सीन हम लोगों को जब कर रहे थे तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन का थोड़ा गुंजाइश थी, तो वो वाले सीन जब हम लोग आपस में करते थे तो उसमें थोड़ा मज़ा आया, आनंद आता था, तो जो आनंद हमको करने में आया या जो इन्जॉय हमने सीन को करते वक्त हम लोगों को मिला वो पर्दे पे भी दिख रहा है, ऐसा मुझे एहसास हुआ अभी जब प्रोमो देखा मैंने, चूँकि फिल्म देखी नहीं है तो वो एक
नयापन मुझे लगता है और इस तरह का किरदार मैंने पहली बार किया है। और पूरी फिल्म अगर बात करें तो जो मनोज शर्मा जी की पिक्चरें हैं उनमें ये थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा कलाकार थोड़ा अलग है, मेगा मूवी किस्म की है वो, तो वो एक नया एक्साइटमेंट इसमें देखने को मिलेगा। बदलाव तो आते हैं और बदलाव को स्वीकार करना ही चाहिए, और उनको हम स्वीकार नहीं करेंगे तो जो स्वीकार नहीं कर रहा वो वहीं का वहीं रह जाता है, ऐसे उदाहरण कई बार देखने को मिलते हैं। लेकिन समाज आज स्वीकार कर रहा है ना उन चीज़ों को, तो इसलिए हम गलत भी अगर बोले कि ये गलत हो रहा है तो हमारे गलत बोलने से कुछ नहीं होगा, उसको TRP मिल रही है, उसको लोग देख रहे हैं, उसको इंजॉय कर रहे हैं। अब मेरी नज़र में अगर आप पूछें तो स्वस्थ मनोरंजन वही है जो एक छत के नीचे तीन पीढ़ी एक साथ देखें। ऐसा मनोरंजन की कल्पना कब होगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन सच्चाई की बात करें तो हमने जिस तरह से टेलीविज़न देखने की या नाटक या फिल्में देखने की जो शुरुआत की थी तो उसमें हम परिवार के साथ सिनेमा देखा जाता था। आज उतनी लिबर्टी वो ना हो कि लिबर्टी के तौर पे उसको लिबर्टी शब्द के बोल करके उसके अलग अलग एस्पेक्ट के साथ कॉमेडी को प्रॉपर होता जा रहा है। कृष्णा बहुत एकदम एनर्जेटिक एक्टर हैं और उनके साथ काम करते वक्त मतलब एक चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि वो बहुत स्पॉन्टेनियस है, और वो स्पॉन्टेनियस क्योंकि उनकी रगों में बसा हुआ है, तो जब भी वो परफॉर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ इस तरह का निकल आता है कि आप उसी के इर्द गिर्द कहानी जो बन रही है उसी के आसपास आपको जाना होता है। और बहुत अच्छा लगा कृष्णा के साथ काम करके, बहुत टैलेंटेड हैं और जैसे कि मैंने बताया बहुत स्पॉन्टेनियस हैं और किसी भी को एक्टर के लिए आप वो मददगार सिद्ध होते हैं, तो बहुत अच्छी। और अच्छी मुझे लगता है कि स्पॉन्टेनिटी जो आती है ना वो उसके लिए आपका सारे एंटीना खुले जिसकी होंगे उसकी स्पॉन्टेनिटी ज़्यादा हो, तो वो कृष्णा के उसमें हमें देखने को मिली। और वो आप अभी भी आप देख रहे थे वही चीज़ पर्दे पे भी आ गई। भाई मैं तो अपने फैंस को या अपने चाहने वालों को या दर्शकों को बोलूँगा कि ये फिल्म देखें, और जहाँ तक मेरा जो किरदार है वो बिल्कुल अभी तक जो कुछ भी मैंने किया है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने बताया ना मैं सीरियस परफॉर्म कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरा किरदार इसमें एकदम सीरियस है और एक सीरियस कैरेक्टर के तौर पर भी आप देख सकते हैं। बाकी सबने जिस जिस तरीके से काम किया है वो बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस है सबकी, और मैं गारंटी देता हूँ कि सब एंटरटेन हो के जाएंगे। वही सब चीज़ें जो काला साहब बोल रहे, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है हम खाना सब्जी एक ही होती है चाहे उसको अलग, लेकिन घर अलग अलग होते हैं, तो वही हाल इस सिनेमा में भी है कि भाई एक जो कॉम्बिनेशन है कलाकारों का वो चाहे वो काला साहब का हो, कृष्णा का हो, मुग्धा का हो, मेरा हो, मुकेश तिवारी हो या और भी बहुत अच्छे कलाकार सारे वो, और उसके अलावा डायरेक्टर के साथ का तालमेल और कहानी बिल्कुल और लोकेशन, तो सब चीज़ का ताना बाना जो है मुझे लगता है कि एक स्वस्थ मनोरंजन इस फिल्म से डेफिनेटली होगा। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके पहले भी कॉमेडी फिल्में की देखिए आजकल कंटेंट बेस्ड फिल्में अच्छी चल रही हैं, मतलब कंटेंट अच्छा हो तो फिल्म निकल जाती है। तो जब मनोज जी ने सब्जेक्ट सुनाया था कंटेंट बहुत बढ़िया है, इसके सीन्स हमने बहुत बढ़िया शूट किए हैं, जब हमने फिल्म देखी तो मैं खुद हंस रहा था पिक्चर देख के, पर चक्कर क्या होता है हम लोग इतनी कॉमेडी करते रहते ना कि खुद पर अब हंसी नहीं आती, जैसे हम अपना भी देखते हैं हम हंसता नहीं मैं ज़्यादा, लेकिन कुछ आज सीन्स देख के मैं बहुत हंस रहा था। मैं मनोज जी को बोला यार मुझे हंसी आई, तो फिर थिएटर में सब लोग हंस रहे थे, तो चलो ऑडियंस अगर हंस के चली गई तो फिल्म सक्सेसफुल हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत हैवी बजट है पिक्चर का और कि अगर थोड़ा भी पैसा नहीं आया तो गड़बड़ है, मतलब इसमें है कि अगर ठीक ठाक भी निकल गई तो निकल गई। आपको कहना चाहिए या बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, इट्स एंटरटेनिंग, सिंपल फैमिली एंटरटेनमेंट है एंड सारे उम्दा कलाकार है, तो इट वॉज फन वर्किंग विद देम एंड डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग जरूर जाके देखें। अक्सर आपको देखा गया कॉमेडी के चोर कभी थॉट आता है माइंड में कि कोई सीरियस फिल्म कोई
ऐसा काम देता ही नहीं है, मैं तो वेट करता हूँ कि कुछ ऐसा हो। लेकिन अभी कहते हैं ना, डोंट री इन्वेंट द व्हील, अभी जो चीज़ चल रही है उसको चलने दो। अगर मैं कहाँ रोता धोता नज़र आया तो सबसे पहले तो मेरे को हटा देंगे, या फिर मीडिया, फिर आपका उल्टा सवाल होगा, ऐसा क्यों किया आपने, ये करने की क्या ज़रूरत थी जब अच्छा कॉमेडी चल रहा था। नहीं, मैं अभी देखिए, लकीली ये अच्छी बात है कि एज इज़ बाय माय साइड, ऐसा भी नहीं कि कोई अभी बहुत उम्र हो गई है, और अभी फटाफट जितने रोल मिलते हैं थोड़ा पैसा कमा लो, फिर उसके बाद तो फिर घर ही बैठना है, तो ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है। तो इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एक बार 40 क्रॉस कर जाऊँगा ना, फिर उसके बाद फिर प्लान कुछ करेंगे, कुछ अच्छा ऐसा कोई रोल मिले या मुझे कोई ऑफर करे। आई थिंक वी ऑल लाफ ऑन दिस। हां, नहीं नहीं, टीवी में बहुत बड़ा नाम है आपका, लेकिन जो फिल्मों की बात करें तो थोड़ा सा अंतर होता है, जैसे कपिल अग्रवाल की फिल्म चली, दूसरी फिल्म नहीं चली, तो क्या करना। सर, वैसे तो बड़े बड़े लोगों की बहुत चलती है, नहीं चलती है, वो तो चलना आपका काम है। हम लकी हैं कि चलो हमारे साथ लोग फिल्में तो बना रहे हैं, कोशिश तो है लोगों की कि अभी आदमी भले कई फिल्मों में 50 करोड़ लगता है, कहीं 25 लगता है, कहीं 5 लगता है, लेकिन लोग आ तो रहे हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं आ रही है। अगर कंटेंट बेस्ड हम बनाएं तो हो सकता है फिल्म चल जाए। अभी कितनी फिल्में रिलीज हुई आप देखो, बधाई हो, एज बीन कॉन्टेंट अच्छा था फिल्म का, जैसे आयुष्मान की एक और पिक्चर देखी थी अंधाधुन, वो भी कॉन्टेंट बेस्ड, कॉन्टेंट बहुत अच्छा था फिल्म का, तो अगर कॉन्टेंट अच्छा हो तो निकल जाती है फिल्म। आई थिंक ही डजंट हैव टाइम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, हम लोग अभी जैसे एक शो साइन कर लेते हैं तो पूरा साल, अभी जैसे कॉमेडी बचाओ कर रहे थे हम, तो पता है कि 2 साल निकल गए उसमें, फिर कोई दूसरा शो शुरू हो गया, अभी कपिल के साथ शुरू हो गया, तो अभी हर हफ्ते तो हमें यही रहना होता है। ऐसे एक दो फिल्में मेरे हाथ से छूट गई, मुझे डेविड जी ने फिल्म के लिए बुलाया था चश्मे बद्दूर के लिए, तो डेविड जी चाहते थे कि मैं वो फिल्म करूं, फिर मैंने डेविड जी के साथ हुक या क्रूक की थी, जॉन इब्राहिम के साथ जो रिलीज़ नहीं हुई, बाद में पिक्चर रुक गई थी, यूटीवी की फिल्म थी, तो चश्मे बद्दूर मेरे हाथ से चली गई, फिर और एक और फिल्म थी वो मेरे हाथ से, क्योंकि मेरी डेटें जो है ना वो यहाँ पर, मैं बाउंड हो जाता हूँ। मैं बहुत लकी था, जब मैंने बोल बच्चन की थी तो मेरे जज ही रोहित शेट्टी थे, तो मैं रोहित सर के साथ जयपुर जाता था, उन्हीं के साथ वापस आता था, और जब फिर मैंने एंटरटेनमेंट की थी अक्षय सर के साथ में, तो जब रमेश तौरानी जी ने मुझे बुलाया ऑफिस में, ये पिक्चर है, तो मैंने बोला सर आपको मुझे कम से कम 20 बार बैंकॉक से बम्बई भेजना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कॉमेडी सर्कस की हर तीसरे दिन शूट होती, तो उन्होंने वैसे मैनेज किया, वो मुझे हर थर्ड डे फ्लाई करते थे, मैं वापस बम्बई आता था, एक दिन शूट करता था, फिर बैंकॉक जाता था, फिर एक दिन शूट करता था, ऐसे मैंने शूटिंगें की। हाँ, नहीं देखिए क्या है, मैं खुद चाहता था कि हम लोग सब साथ में आए, हम लोग सब साथ में कॉमेडी सर्कस, हम लोगों ने 8 साल चलाया टेलीविज़न पे, एक हिस्ट्री बन गया, कॉमेडी सर्कस जैसा शो वापस बनना मुश्किल है, तो लोग साथ में बहुत पसंद करते थे। मैं अलग हो गया था, हमने बचाओ ड्रामा कंपनी, आप लोग आए थे, वो किया, वो हमने थोड़ा बहुत जितना खींचना था खींचा, तो अब क्या है कि अब खींचने वाला काम नहीं, अब टाइम नहीं है लोगों के पास, अब हम चाहते थे कि ऑन स्पॉट एक सक्सेसफुल बैंग ऑन हिट शो होना ही चाहिए, तो बैंग ऑन हम सब साथ में आ गए तो उसका मज़ा ही, फ्लेवर ही, आप लोग हमारे वन ऑफ द नंबर वन शो चल रहा है, और ये तो होता है कि ना पहला एपिसोड की आ जाती है उसके बाद फिर डाउन हो जाता है, हम लोग कंसिस्टेंटली प्रॉपर जा रहे हैं अभी तक, हमारी TRPs आर नंबर वन शो कपिल शर्मा शो, और मज़ा बहुत आ रहा है लोगों को भी, हम मुझे ऑडियंस मिलती है, वो अलग बात है कि चलो हम, मैंने अपने शोज किए भारतीय और मैंने अलग किया, लेकिन अब हम सब एकजुट हो गए, तो अब हमें कोई ईगो हासिल नहीं था कि कपिल नाम है शो का या कुछ, कपिल बहुत टैलेंटेड है, जो करता है वो कोई भी नहीं कर सकता, आई थिंक अभी हम सब साथ में जुड़ गए, अलग ही फ्लेवर मिल रहा है लोग। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हाँ, चलो
ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी नाराजगी होगी उस सुनील की ठीक हो जाएगी थोड़े टाइम में, दोस्ती है दोस्तों में। हाँ फ्लॉप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत वैसी ग्रेट रेटिंग नहीं आई होंगी जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन सुनील अपने आप में बहुत अच्छा परफॉर्मर है। नहीं नहीं कुछ नहीं, आप एक रोल प्ले कर रहे हो, आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो ना वहाँ पे, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई कंफर्ट और अनकंफर्ट की बात ही नहीं है। अली भाई बोलते हैं कि टाइपकास्ट हो जाते हैं, अभी चक्कर क्या है कि जब हम कोई रोल कर रहे होते हैं, जैसे मैं लड़की बन के आया हूँ, तो लोगों को पता है कि कृष्णा लड़की बना हुआ है। जब कपिल राजेश अरोरा बन के आता है तो लोगों को पता है कपिल राजेश अरोरा बना, तो वो वहाँ बात आपकी अलग हो जाती है। मैंने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए, लेकिन टेलीविज़न पे मैं पॉपुलर एज कृष्णा ही हुआ ना, उसके बाद अब मैं कोई लड़की बनाऊँ या चूहा बन के आ जाऊँ वो अलग बात है, लेकिन चक्कर है कि उनका कैरेक्टर ऐसा चिपका है कि पॉपुलैरिटी ही उसमें हो गई, तो फिर वहाँ आदमी अटक जाता है। तो हमारे लिए मेरे ख्याल से ऐसी कोई अटकने वाली बात नहीं है। बाधा तो कोई क्रिएट नहीं करता, लेकिन जहाँ तक रंगीला राजा फिल्म का सवाल था, उन्होंने गोविंदा जी ने आप काम देखे, बहुत कमाल का उन्होंने काम किया था, सिर्फ वही प्रॉब्लम हो गई होगी कि थिएटर्स नहीं मिले। आई थिंक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ बड़ा प्रोडक्शन हाउस है तो उसी को आप इतने सारे थिएटर देते हैं, तो ये मेरे ख्याल से हम लोगों को नहीं है, जितने बड़े लोग हैं जो इम्पा में बैठते हैं या फिर यू नो जिन्होंने एसोसिएशन फॉर्म किया है, आई थिंक दे शुड रियली टेक केयर ऑफ दिस, क्योंकि क्योंकि आज आप खुद ही देख लो कि बड़ी फिल्म, अभी छोटा बड़ा कुछ नहीं रहा, अभी तो बड़ी बड़ी फिल्में नहीं चल रही हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कंटेंट बेस्ड फिल्में चल रही हैं, तो थोड़ा सा ये बड़े लोगों को ही ध्यान देना चाहिए, हम तो बच्चे हैं, मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ। तो आदमी के इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, मैं कहूँगा मेहनत करते हैं, फिल्म लेके आते हैं, कभी एल्बम लेकर आ जाते हैं, सनी अभी मेरा एक एल्बम आया था, कभी कुछ लेकर आए, तो वी हम ऑन गोइंग प्रोसेस में रहना चाहते हैं, हम मीडिया के सामने लोगों के सामने रहना चाहते हैं, आई थिंक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। एडिटर मनोज जी एडिटर हैं, तो कभी भी फालतू शूट नहीं करते, बहुत सारे एडिटर्स होते हैं ना जो एक्स्ट्रा शूटिंग नहीं करते, जैसे डेविड जी के बारे में लोग कहते हैं, डेविड जी एडिटर रह चुके हैं, तो वो उनको पता है कि कौन सा मेरा कट पॉइंट है, वहाँ डेविड जी कट बोल देते हैं, मैंने देखा हुआ बचपन से इतना, तो सेम मनोज जी का सिस्टम था कि ये कभी इनको पता होता प्रिसाइज यही सीन है, यही डायलॉग बोलना है, अगर तीसरे डायलॉग में गलती हो जाती थी तो वो बोलते थे कोई बात नहीं मेरे पास लॉन्ग शॉट है, इसमें मैं लॉन्ग ही लगाने वाला हूँ, तो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट द एडिटर जो डायरेक्टर बनते हैं, तो ही नोज इस जॉब, और मनोज जी को बहुत सालों से मैं जानता हूँ, और अच्छा कंटेंट भी लेकर आते हैं, और इन्होंने बढ़िया टेक्निकली भी, ही इज़ वेरी साउंड, तो ही नोज क्विज, ही इज़ वेरी क्विक विथ इज वर्क। कहना चाहूँगी हस्बैंड
शादी नहीं हुई हमारी, पार्टनर्स हैं लेकिन या इट्स एज गुड एज दैट बट यस, उन्होंने मराठी फिल्म मेरे से पहले की है डेफिनेटली, इज 120 फिल्म उन्होंने कर चुके हैं उनके, तो आई थिंक मराठी में भी की है. So I like the promo. It looks like again the south flavor lag raha hai usme. So I just wish him all the best and that's all. Yeah. Sir ke sath kaisa rahe yes kaam? Sir ke sath kaisa rahe aapka? Oh, it was fun working with Krishna. As you know, he's fun loving person. So sara mahol unhone aisa ek matlab acha light rakha tha. To usme comedy ke scene karna bhi bahut acha lagta hai. Aur hamare umda director Sharma ji. उनको ही न्यू वॉट ही वॉन्ट टू शूट, सो इट वॉज अ वेरी ईजी शूटिंग और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. देखिए मेरी फ़ोटो वायरल हो गई थी, संजय निरुपम जी से मेरी मुलाकात हुई, असलम शेख से मेरी मुलाकात हुई थी, तो अभी है मुलाकात हुई है, अभी लेट सी देखते हैं. तो आप लोगों को सबसे पहले न्यूज़ मिलेगी. हाँ शर्मा जी की लगी 15 मार्च को लग रही है